2019 में आप किसको वोट करेंगे? ऑप्शन ए भारतीय जुमला पार्टी, ऑप्शन बी बाप दादाओं की पार्टी, ऑप्शन सी खास आदमी पार्टी, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव यानी नोटा। ऑप्शन डी नोटा। कंप्यूटर जी ऑप्शन डी नोटा को लॉक किया जाए। चलिए देखते हैं बादशाह जी ऑप्शन डी सही है या नहीं। आपने जो उत्तर चुना है ऑप्शन डी वो हम आपको बता देंगे वो सही है। बादशाह जी ने तो नोटा चुना है, लेकिन अगर आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आता तो यू कैन रिजेक्ट देम ऑल बाय प्रेसिंग द नोटा बटन। एक मिनट, लेकिन ये बटन कहाँ मिलेगा? पहले वोट किया है ना? हाँ किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब ईवीएम के बारे में तो पता ही होगा, उसमें सबसे नीचे वाला जो बटन होता है वही तो होता है नोटा का बटन। बस अगर आपको सब कैंडिडेट्स बेकार लगते हैं तो आपको यही बटन दबाना है। बटन दबा तो देंगे, लेकिन इससे होगा क्या? अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा लोगों को कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आता, ये सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिलता है, तो फिर द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज विनर। फॉर एग्जांपल मान लो एक सीट में 20,000 लोगों ने वोट दिया, उस सीट में नोटा को 10,000 वोट्स मिले, पार्टी एक्स को 6,000 वोट्स मिले और पार्टी वाई को 4,000 वोट। So since Nota has the highest number of votes, the candidate who comes second, that is party X, will be declared winner. Oh, इसका मतलब Nota से कुछ नहीं होता? Well, देखा जाए तो तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन like the Supreme Court pointed out, and I quote, negative voting will lead to a systematic change in polls, and political parties will be forced to project clean candidates. मतलब SC ने ये कहा कि अगर negative voting होती है, तो political parties को clean candidates लाना पड़ेगा। SC ने यह भी कहा कि इफ द राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, देन द राइट टू रिजेक्ट अ कैंडिडेट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नोटा का बटन दबा के आप नेताओं को वार्निंग तो भेज ही सकते हैं। तो ये नोटा किसी और इलेक्शन में यूज हुआ है? बिल्कुल, इनफैक्ट पहली बार 2013 के 5 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में वोटर्स को पहली बार नोटा का ऑप्शन दिया गया था। उस टाइम टोटल 15,00,000 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। सिर्फ यही नहीं, 2018 के 36 असेंबली इलेक्शंस में आपको सिर्फ 0.9% वोट्स मिले थे, whereas Nota got a total of 2.1% votes. कहने का मतलब ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है that your right to vote also includes your right to reject a candidate. तो अगर नेता है खोटा, तो दबाओ नोटा।